तो वही हो गया कंप्यूट का। तो इसमें अब भी हम लोग ने बताया कि वाटर कम है ना, तभी तो वो फ्लैसिड हो गया अब्दुल रहमान। तो इसमें इसकी कंडीशन क्या है, इसमें वाटर कम है, क्या कम है, सॉल्वेंट या वाटर कम। तो अब क्या होता है, ऑस्मोसिस मतलब वाटर अपने हाई रीजन से अपने लो रीजन में जाते हैं। ये जो आज न्यू आया हम लोग के लिए रिपीट कर रही हूँ, और जो कल तो पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, वाटर ज्यादा जहां पे है वो वहां से जहां पे कम है वहां पे पास होगा, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे कहाँ पे ज्यादा है, बाहर, और यहाँ पे कम कहाँ पे है, सेल के अंदर। तो अंदर जा रहा है ना पानी, पानी अंदर जा रहा है मतलब एंडोस्मोसिस। अब हुआ क्या, ये जो प्लाज्मोलाइज्ड फ्लैसिड सेल था, जब इसके उसको वापस से पानी मिला तो इसकी इसकी स्टेट कैसे हो गई, ये नॉर्मल वैसा ही हो गया। अब ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे, इसको प्लाज्मोलाइज्ड सेल या प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे, इसको बोलेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। एक सेकेंड, कौन है डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, या इसको हम क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलिसिस। समझ में आया, जो जैसा रहता है ना वैसे ही रहने दिया करो, टच नहीं करने का बटन। ये सब मैम जो रहते हैं ना, सब तुम लोग सेट हो जाया करो। अब लेक्चर में जिसको गर्मी लग रही लगे, ठंडी लग रही लगे, फैन एसी कुछ नहीं चेंज करो। ये हो गया प्लाज्मोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस। सेल यहाँ पे फ्लैसिल हो गया था, पहले गलती था। हाँ, अब एक और चीज, यहाँ पे ऐसा सेल जो फुल्ली अपने शेप में है, तो इसके लिए एक और टर्म नहीं था कल बताई थी, जाते जाते टर्जिग। यार टर्जिग, देखो जो ऐसा श्रिंक सेल है इसको फ्लैसिड भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका पानी निकल चुका है, वापस से पानी आ गया है टर्जिग। अब एक और चीज ध्यान रखना है, सेल टर्जिग से फ्लैसिड कब होता है, फ्लैसिड से टर्जिग कब होता है, जब तुम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब हमको गुस्सा आता है तो गुस्सा बाहर निकलता है ना, ज्यादा गुस्सा आएगा तो गुस्सा बाहर निकालोगे, तो ज्यादा ज्यादा, तो गुस्सा बाहर निकालना इन द सेंस पानी बाहर निकालना है कि नहीं, हो गई बात। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गुस्सा ज्यादा है और गुस्सा अब निकल रहा है बाहर, बाहर इन द सेंस सेल के बाहर, तो उसको एक्सोस्मोसिस, टर्जिड सेल फ्लैसिड हो जाएगा और ऐसे सेल को प्लाज्मा। तो यहाँ पे इतना याद रखना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखोगे तो एंडोस्मोसिस। समझा, सिर्फ ये याद करना है, और इसको भी ट्रिक से याद कर लो, गुस्सा ज्यादा आएगा तो गुस्सा बाहर निकलेगा, तो दूसरा अल्टीमेटली ये हो गया। क्या मैं ये बोल रही हूँ, देखो सेल को जब हम लोग एक नॉर्मल सेल, ये पहले ऐसा नहीं था, पहले कैसा था, पहले ये नॉर्मल ही सेल था, तो हाइपरटोनिक मतलब उसका ज्यादा है, तो उसका जब हमको ज्यादा आता है तो जाहिर सी बात है उसको निकालते हो ना, है कि नहीं, हमारा ही काम है गुस्सा निकालना। तो ये जब गुस्सा निकाले इन द सेंस पानी बाहर निकाले, और जब पानी बाहर निकाले तो ये जो सेल है ये कैसा हो गया, फ्लैसिड या श्रिंक। समझा, तो इतना याद हो गया, हाइपरटोनिक यानी एक्सोस्मोसिस, दूसरा वाला याद कर लेना, नहीं याद करोगे तो भी हो जाएगा, हाइपोटोनिक मतलब एंडोस्मोसिस। समझा, तो ये हो गया हम लोग का कुछ, तो प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलाइज्ड सेल, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, ये हो गया। अभी और यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ना है, एक है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये तो पढ़ चुके थे। अब एक आता है टर्बुलर प्रेशर, वॉल प्रेशर और स्पॉटिंग प्रेशर, तीन तरीके के हमको प्रेशर पढ़ने हैं। अब देखो टर्बुलर प्रेशर क्या होता है, क्लिक करो, अब यहाँ पे ये एक नॉर्मल सेल है जो कैसा है, ये फ्लैसिड,
प्लास्टिक को हम कौन से कंडीशन में रखेंगे तो वो टर्जिड हो जाएगा। तो आप, मैं वो डायग्राम नहीं बनाती, नॉर्मली ऐसे बताती हूँ, क्योंकि अब हमको कुछ दूसरा पढ़ना है इसके लिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैंने रखा, तो ये जो सेल है, अब सेल को थोड़ा बड़ा बड़ा बता दे रही, ये क्या हो गया, टर्जिड हो गया। तो इसमें बनाती हूँ, एक है सेल वॉल, क्योंकि प्लांट के बारे में पढ़े, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमको तीन प्रेशर पढ़ना है, एक का नाम है टर्गर पिलग्रिम प्रेशर, एक का नाम है वॉल प्रेशर, एक का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो टर्गर प्रेशर क्या होता है, जब इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग रखते तो एंडो ऑस्मोसिस हुआ था, तो यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस हुआ। जब एंडो ऑस्मोसिस हुआ, जैसे एक नॉर्मल बलून, हम लोग बलून लाए उसके अंदर वाटर को फिल करते जाएंगे लेकिन पूरा एकदम उसको हमको फाड़ना नहीं। अगर सपोज हमको जस्ट वाटर भरती है, तो जब अंदर वाटर जाएगा तो वो एक वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। हाँ, तो इसी को बोलते, जब इसके अंदर लिक्विड गया, जब इसके अंदर लिक्विड गया तो वो, यानी ये साइड की जो वॉल्स है वो ब्रेक ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए, तो यहाँ पे एक टर्गर प्रेशर, नहीं सॉरी मैं उल्टा बता रही, वो वॉल प्रेशर तो मैं बता रही। देखो अब देखो, यहाँ पे कोई लिक्विड गया तो ये एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा वॉल के ऊपर, है कि नहीं, क्योंकि अंदर पानी भर चुका है, पानी भर चुका है, इस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। पानी, देखो सेल अगर टर्जिड रहेगा तो टर्गर प्रेशर रहेगा, अगर सेल फ्लैसिड होगा तो टर्गर प्रेशर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अंदर लिक्विड, इतना समझा। अब जब ये टर्गर डायरेक्शन देखो, हाँ टर्गर प्रेशर की मैं एक बड़ा सा एरो बना दू, डायरेक्शन क्या होगी, वॉल पे दे रहे हैं ये प्रेशर, आप वॉल पे जा रहे हैं, पानी भरने की वजह से वो साइड साइड में प्रेशर डाल रहे हैं कि अंदर मैं आ चुका हूं, अब मैं एक अंदर प्रेशर जनरेट कर रहा हूं, उसका नाम है टर्गर प्रेशर। अब वॉल क्या करती है, वॉल भी हम लोग पानी डाले और फूट जाता है क्या सेल या बलून हमारा, नहीं, जो हमारी वॉल है, बलून की वॉल है, वो एक प्रेशर अंदर की तरफ एग्जर्ट करती है ताकि वो वॉल ब्रेक ना। अब देखो जो सेकेंड प्रेशर है इसको बोलते हैं वॉल प्रेशर, और इसकी डायरेक्शन, पानी क्योंकि अंदर गया तो वो इस डायरेक्शन में एक प्रेशर जा रहा है, वो बता रहा है कि भाई हमारी एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है, ये वॉल, वॉल बोलती कि भाई मैं बर्स्ट नहीं होना चाहती, मैं बर्स्ट आसानी से नहीं होना चाहती, तो वो इस डायरेक्शन में, देखो अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का, इस अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जिसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। अब एक और चीज याद रखना, टर्गर प्रेशर बॉल की तरफ जा रहा है और बॉल प्रेशर बॉल से अंदर आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अब मैं जितनी तेजी से इसको मारूंगी तो वो भी ट्राई करेगा मैं सेम उसकी प्रेशर से मारूंगा, सिंपल सी चीज है, वैसे लोग से मारूंगी तो वो भी वैसे ही मारेगा, मैं तेज से मारूंगी तो वो भी तेज से मारेगा। तो टर्गर प्रेशर एक टर्जिड सेल का, प्लेसेंट में तो नहीं होगा ना, फ्लैसिड में जब लिक्विड ही नहीं है तो टर्गर प्रेशर ही नहीं है, टर्गर प्रेशर नहीं है तो वॉल क्यों बचाएगी अपने आप को जब उनको किसी से खतरा ही नहीं है। तो टर्जिड सेल में जितना टर्गर प्रेशर होता है सेम अमाउंट में वॉल प्रेशर भी होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, मैं मारूंगी तभी ना ये मारेगा, ये मारेगा तभी ना मैं मारूंगी, तो अपोजिट हो रहा है, तो सेम टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर इक्वल तो है पर डायरेक्शन अपोजिट, समझा। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगा तुमको, टर्जिड सेल में, फ्लैसिड सेल में ना टर्गर प्रेशर ना वॉल प्रेशर, इतना समझा। नेक्स्ट, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम वही टर्जिड सेल की बात करना है। अब देखो ये एक हमारा टर्जिड सेल है, तो यहाँ पे हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, सेल भी उतना ही एंडो ऑस्मोसिस करेगा जितना उनको पानी की जरूरत है,
कौन है? सलामी दर। देखो क्या बोल रही थी मैं, हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, तो सेल की भी एक अपनी कैपेसिटी, उसको कितना पानी चाहिए। लेकिन तुम लोग पढ़े कि डिफ्यूजन तो हो ही सकता है, ऑस्मोसिस भी हो सकता है, लेकिन इस कैपेसिटी भी तो होती है ना सेल की, मेरे को कितना लेना है। तो सेम चीज, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो अंदर लिक्विड आ गया, लिक्विड अंदर आ गया, मैं साइड साइड में लिक्विड नहीं बनाई, रीजन है एरो बनाना, ये जितना आना चाहिए था, चलो 5 ml आना चाहिए था, 5 ml इसके अंदर वाटर आ चुका है। अब और चाहिए क्या ज्यादा? नहीं, अगर और होगा तो क्या रिस्क है? बर्स्ट हो जाएगा सेल। तो अब ये एक प्रेशर लगाएंगे कि भाई और सॉल्वेंट अंदर मत आओ, समझा? कि भाई हमारी कैपेसिटी जितनी थी मैंने उतना एब्जॉर्ब कर लिया है, अब ज्यादा प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट मतलब रोकना, ज्यादा एब्जॉर्प्शन ना हो, एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करने के लिए ये जो लिक्विड है ना, देखो रीजन, देखो डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब तुम लोग बोलोगे मैम टर्गर प्रेशर भी तो वही हुआ, लेकिन टर्गर प्रेशर क्यों था? लिक्विड की वजह से। पर ये क्यों है? एंट्री प्रिवेंट करने की। समझ में आया? ऑस्मोटिक प्रेशर का मेन रीजन ये होता है कि भाई हमारी कैपेसिटी एकदम एक्सीड, मैक्सिमम हो चुकी है, अब हमको लिक्विड नहीं चाहिए, प्रिवेंट रोकने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझा? अब नहीं समझा इसको? देखो हम लोग ने एक पढ़ा था टर्गर प्रेशर और एक पढ़े थे अभी ऑस्मोटिक प्रेशर ना, वॉल के बारे में इसलिए नहीं बात कर रही हूँ, बॉल के बारे में इसलिए नहीं बात कर, उसकी डायरेक्शन ही अलग, तो ये दोनों में डायरेक्शन सेम है, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना। पर्पस अलग, दोनों फोर्स का पर्पस या प्रेशर का पर्पस अलग है। क्या यहाँ पे क्या पर्पस है? देखो हम लोग एक पढ़े थे टर्गर प्रेशर की भी यही डायरेक्शन थी, टर्गर नहीं क्योंकि मैं ऊपर नहीं लिख सकती, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती, मैं उनको आदत दे, बस मैं एक बात लिखूंगा मेरे को याद नहीं रहता। सुनो चलो अभी नेक्स्ट हमको क्या मैं क्या बता रही हूँ, टर्गर प्रेशर जो अंदर सॉल्यूशन गया, जो अंदर सॉल्वेंट गया, वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। फिर वो प्रेशर तो एग्जर्ट करेगा क्योंकि गया है, पर अब यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, 5 ml चाहिए था एक्सेल को, 5 ml एक्सीड हो चुका है, मैक्सिमम वैल्यू इन लोग ने ले चुके, तो अब इन लोग एक दूसरा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, एक दूसरा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इसी डायरेक्शन में। क्यों? ताकि ये प्रिवेंट कर सके क्या? वॉटर या सॉल्वेंट की एंट्री। तो ऐसे प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब समझा, इनका पर्पस होता है वाटर एंटर होने नहीं देगा इनका, ये क्योंकि गए हैं तो प्रेशर तो लगेगा ही ना, लिक्विड गया है तो वो कुछ ना कुछ ना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो उसको टर्गर। अब जब टर्गर प्रेशर लगता है तो वॉल अपने आप को प्रिवेंट करते कि भाई मैं बर्स्ट ना हो जाऊं, तो वो इस डायरेक्शन में एक प्रेशर एग्जर्ट करते जिसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। टर्गर और वॉल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टर्जिड सेल में होगा, क्यों? क्योंकि टर्जिड में वाटर होता है, क्लासिक में नहीं होता है। और जितना टर्गर प्रेशर होगा एज इट इज उतना ही वॉल प्रेशर होगा, पर डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये वॉल की तरफ जाते हैं और ये वॉल से अंदर की तरफ प्रेशर आता है। इतना समझा? अब हम लोग को है ना एक फॉर्मूला है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अभी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट माइनस टीपी है। नहीं, मैं डब्ल्यू पी लिखूं तो कुछ गलत है? मैं अगर टीपी की जगह डब्ल्यू पी लिखूं तो कुछ रॉन्ग होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अब भी हम लोग पढ़े कि जो टीपी होता है वो इज इक्वल टू होता है वॉल प्रेशर। देखो
या तो तुम टीपी लिखो, टर्गर प्रेशर लिखो, या तो तुम वॉल प्रेशर लिखो, दोनों इक्वल होता है। अब हमको दो कंडीशन लेना है, एक तो है टर्जिड सेल और एक तो है फ्लैक्सिड सेल। अब देखो, याद है हम डीपीडी क्या पढ़े थे? डीपीडी उतना मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को बड़े सिंपल के समझने के लिए मैं क्या बताई थी, हर्स्ट ऑफ सेल, सेल हर्स्ट मतलब प्यासा। तो तुम लोग बताओ फ्लैसिड सेल प्यासा होगा कि टर्जिड सेल है? फ्लैसिड। तो इसकी जो डीपीडी है वो जीरो होगी, इसके अंदर पानी भरा है तो प्यासा होगा क्या? डीपीडी का नॉर्मल टर्म में अपना समझने के लिए याद रखना सेल हर्स्ट, सेल को कितनी प्यास लगी है। तो अब भी हम लोग बोले टर्जिड मतलब जिसमें पानी भरा है, पानी भरा है तो प्यास लगी होगी क्या? मैं फुल पानी पी हूँ तो प्यास लगेगी कि मेरे बॉडी में पानी भरा है? नेक्स्ट फ्लैसिड, फ्लैसिड में डीपीडी तो जीरो नहीं होगा, उसका डीपीडी बहुत ज्यादा हाई होगा क्योंकि उसको प्यास लगी, लेकिन क्या यहाँ पे जीरो होगा? पानी नहीं है तो टर्गर प्रेशर भी नहीं होगा, और टर्गर प्रेशर नहीं है तो वॉल प्रेशर भी नहीं होगा, और दोनों नहीं है मतलब जीरो है। अभी फॉर्मूला जो है इसके हिसाब से अरेंज कर दो। तो अगर टर्जिड सेल है तो डीपीडी तो जीरो है, रुको मैं एक थोड़ा अच्छे से साइड बता दूं। चल अब हम लोग पहले टर्जिड सेल का लिखते हैं डीपीडी, यही फॉर्मूला क्या है? डीपीडी सेल हर्स्ट इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी लिखो या वॉल प्रेशर लिखो, वही चीज हो गया। इसका ये जीरो है क्यों? क्योंकि ये प्यासा नहीं है, पानी अच्छे खासा भर है, और ओपी माइनस टीपी ऐसा ही रहेगा। अब हम लोग इसको अरेंज कर लोगा तो मैथ्स का तुमको पता है, माइनस वाले को इधर लेके जाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो ये टीपी हो गया। तो टर्गर प्रेशर, सॉरी टर्जिड सेल का फॉर्मूला क्या बनता है? टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट फ्लैसिड सेल। तो फ्लैसिड सेल की कंडीशन क्या है? ना तो टीपी होने वाला है, ना तो वॉल प्रेशर होने वाला है, नहीं है मतलब जीरो। तो क्या होगा? फॉर्मूला तो यही वाला है, इसको बस इसके हिसाब से अरेंज करो। डीपीडी सेल हर्स्ट इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है पहले वही उतारी, ओपी माइनस वॉल प्रेशर लिखो या टर्गर प्रेशर लिखो चलेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। बार बार बता रही हूँ, कभी बाजू वाला टीपी लिखा है तुम डब्ल्यू पी लिखे तो कट करके उसको बदलना नहीं, अपना अपना सही। तो देखो टीपीडी वैसे ही रहेगा, ओपी ये माइनस डब्ल्यू पी ये तो जीरो है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, समझ में आया? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला किस पेज पे है? पेज नंबर 122। मैं थोड़ा आगे पीछे पढ़ा रही हूँ जैसा जैसा मेरे को लिंक समझ में आया, समझ में आया? तो ये हो गया हम लोग का टर्जिड सेल, फ्लैसिड सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर। अब कुछ बचा है क्या? वाटर पोटेंशियल के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे, समझा था? नहीं? देखो वाटर पोटेंशियल का जो अभी तुम लोग को पैराग्राफ दिया है ना, वो एक बार कोई रीड करे, और वो कौन करेगा? मैं कौन करेगा? भूमि। देखो तुम्हारा ध्यान ही नहीं क्या? मैं बोल रही हूँ वाटर पोटेंशियल लिखा है तुम लोग के बुक में पेज नंबर 122। 122 का जो वाटर पोटेंशियल लिखा है प्लीज उसको रीड करो, स्टार्टिंग के कुछ ही रीड करना है, पूरा नहीं रीड करना है। स्टैंड अप, थर्मोडायनेमिक समथिंग कुछ है, देखो potential of
अब देखो वाटर पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, जो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स, कोई बात नहीं, आपको मैं जितना मेरे को पढ़ाना मैं पढ़ाती हूँ। अभी देखो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग पढ़ेंगे जितना, अभी मैं सपोज एक बीकर ली हूँ, सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझाती हूँ। एक बीकर है, दोनों इक्वली साइज का है, सपोज इक्वल साइज का है, इसमें है 5 ml वाटर। अभी हमको सिर्फ वाटर की बात करना है क्योंकि हम लोग के चैप्टर में वाटर है, और यहाँ पे है सपोज 15 ml वाटर। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। देखो क्वांटिटी कम है मतलब हमारा वाटर, वाटर के जो एटम्स है वो कमी होंगे ना, 5 ml में कम होंगे, 15 ml में वाटर के जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है जो बोलना है बोलो, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम होंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ऐसा होता है जिसमें जितना एटम होता है उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। सपोज यहाँ पे 5 एटम है या 5 मॉलिक्यूल है, उसके पास अपनी अपनी फ्री एनर्जी होगी। तो यहाँ पे इनके पास भी फ्री एनर्जी है कि नहीं, और इनके पास भी, और एनर्जी किसकी होती है, मॉलिक्यूल की। उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसके भी तुम बात कर रहे हो उसमें जितने एटम या जितने मॉलिक्यूल उतनी एनर्जी, ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी, कम है तो कम एनर्जी। तो यहाँ पे फ्री एनर्जी दोनों है, पर क्वांटिटी बता रही है कि एनर्जी ज्यादा किसमें है। तो इसमें क्योंकि क्वांटिटी कम है तो वाटर मॉलिक्यूल कम है, और वाटर मॉलिक्यूल्स कम है तो उनकी फ्री एनर्जी कम है। यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा है सचिन, और क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो उनकी जो फ्री एनर्जी है वो ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर का पोटेंशियल कितना है, जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट इसी को केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलो या केमिकल पोटेंशियल बोलो, एक ही चीज। नेक्स्ट क्या आते हैं हम लोग, यहाँ पे इसकी जो साइन होती है, मीन इसकी जो वैल्यू होती है, सबसे पहले उसको साइज से डिनोट करते हैं, ये समथिंग त्रिशूल जैसा बनाते हैं, और ये है लिखने में ऐसे साइन, और इसकी यूनिट होती है पास्कल्स में या बार्स में लिखा जाता है, पास्कल्स या बार्स। यहाँ पे अगर हम लोग प्योर वाटर ले तो प्योर वाटर की सबसे ज्यादा एनर्जी, प्योर वाटर यानी जितना ज्यादा वाटर प्योर में कुछ इम्प्योरिटी नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। हाँ अब अच्छा एक और चीज, यहाँ पे वाटर कम है यहाँ पे वाटर ज्यादा है, वो तुम लोग बड़ी आसानी से समझते हो कि भाई यहाँ पे फ्री एनर्जी कम है यहाँ पे फ्री एनर्जी ज्यादा है। पर अगर मैं इसमें थोड़ा सा सपोज 3 या 3 सॉल्यूट ऐड कर दूं तो फ्री एनर्जी कम हो जाएगी कि ज्यादा, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जगह कोई और के ले, तो यहाँ पे इनप्योरिटी नहीं होना चाहिए। मीन्स कोई भी सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होते जाएगा, और प्योर वाटर में अगर हम लोग ये निकाले, प्योर वाटर का क्या वाटर पोटेंशियल जिसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं होता तो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, 0 तो है पर ये सबसे ज्यादा वैल्यू। क्यों? क्योंकि अभी जैसे इसमें मैंने ऐड कर दिया, ये पहले तो प्योर था, कुछ नहीं था, मतलब प्योर था, तो इसकी क्या वैल्यू होगी वाटर पोटेंशियल, 0। पर इसमें जब हम लोग कुछ इम्प्योरिटी या सॉल्यूट ऐड करते हैं तो साइन जो होती है, अब इस वाटर, इस वाले वाटर की जो कि प्योर नहीं रह गया, इस वाटर की जो साइन है सपोज -1 हो गई, -2 हो गई, 0.01 हो गए, तो यहाँ पे जो आंसर है वो नेगेटिव में। समझ में आया? जितना इम्प्योरिटी ऐड करोगे उतना ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाते हैं, और प्योर की सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा ही 0 है, वाटर से ज्यादा किसी की नहीं हो सकती, प्योर वाटर से।
वाटर में भी वैरायटी तुम ऐड करोगे तो वो तो अलग अलग चीज देखेंगे। प्योर वाटर की सबसे ज्यादा है और जीरो है, उससे ज्यादा कोई भी सॉल्वेंट की नहीं, क्या वाटर जो नेगेटिव में। अब एक और चीज, तुम लोग को ये चीज पढ़ोगे ना टेक्स्ट बुक में समझने वाला नहीं, और वो कौन रीड करेगा? देखो तो पिंक वाले के नीचे जो पैराग्राफ है वो पढ़ो, तुम लोग को क्या समझ है, वॉटर ऑलवेज फ्लोस स्ट्रॉन्ग लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव। तुम ही पढ़ो मैं पढ़ूंगी। चलो अब बताओ इसको मतलब क्या समझा? ये जो मैं इतना बड़ा भाग, ये जो मैं इतना बड़ा समझाई ना, उसकी समरी ये पूरे सेंटेंस में है, वो दो, लेस नेगेटिव पोटेंशियल से मोर नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और एक और दूसरा टर्म है, एक और क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल एरिया। अच्छा और यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल। तो देखो तुम लोग इसी ऑस्मोसिस को बड़ा घुमा फिरा के ऐसे लिख सकते, कैसे? अब देखो कहाँ पे आते हैं, तुम लोग को पता है वाटर कैसे मूव होता है? वाटर का मूवमेंट कैसा था? जहां पे वाटर ज्यादा वहां से, जहां पे वाटर को तुमको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक की बात नहीं करनी, सिर्फ वाटर के अपने कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी। तो देखो याद है हम लोग ऑस्मोसिस में क्या देखे, जहां पे वाटर ज्यादा था, जहां पे वाटर ज्यादा था वहां से ये ट्रांसपोर्ट हुआ, वो आज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन सेमी परमिएबल वर्ड भूलना मत, तो इसीलिए बार बार बोलती भी। तो ये अपने हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन से अपने लो कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में गया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर ज्यादा है तो उसको तुम बोल सकते हैं हाई वाटर वाटर पोटेंशियल। तो देखो इसी चीज को जितना सिंपल में समझाए, जहां पे वाटर ज्यादा है वहां से वाटर पास होगा, जहां पे वाटर, उसको थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म में, फिजिकल टर्म में लिखे, हाई वाटर पोटेंशियल एरिया यानी जहां पे वाटर ज्यादा है वहां से वाटर पास होता है, कंपल्सरी लेयर आती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेयर जो आती है उसको बोलते हैं, अब पूरा इसको भी जरूर, इसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्मी, इसको क्या बोलते हैं, एंडो डर फिर इसी में तुम लोग पढ़े थे एंडोडर्मिस में कि यहाँ पे सुबेराइज सेल होते हैं, सुबेरीन की वॉल डिपॉजिट, सुबेरीन डिपॉजिट हो जाता है, ये पढ़े थे सुबेरीन डिपॉजिट हो जाता है, नहीं भी पढ़ेंगे चलो। अब यहाँ पे कुछ कुछ सेल में, और इसके इसका काम है तभी मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैं उस सुबेरिन के बारे में बताती भी नहीं, आगे हमको इसका काम। तो एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं ना, कुछ कुछ में एक सुबेरिन करके पॉलीसेकेराइड होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है, एडवांटेज कुछ भी नहीं होता, डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो सुबेरिन डिपॉजिट हुआ है ना एंडोडर्मिस के कुछ कुछ सेल में, तो ये वाटर गैस इम्परमिएबल है। अब इम्परमिएबल मतलब एंट्री नहीं देगा, वाटर को एंट्री नहीं देगा, गैस को एंट्री नहीं देगा। अब रूट में एक ऐसा लेयर, एक ऐसी लेयर है एंडोडर्मिस के सेल की जो अंदर वाटर जाने नहीं दे रहे, जाहिर बात है हमको नहीं, अंदर का पानी नहीं जाता, तो जाएगा कैसे? तो सपोज यहाँ पे दो सेल के सेंटर में मैं बनाई हूँ ब्लैक ब्लैक, एक पे सपोज देखो यहाँ पे एक इसमें भी बना दी, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर इसमें बना दी, फिर इसमें बना दी। तो कुछ कुछ सेल में ये सुबेरियन डिपॉजिट नहीं,
ऐसा सेल जिसमें वाटर और गैस इम्परमीएबल सब्सटेंस नहीं है, सुबेरीन नहीं है, इस सेल को बोलते हैं पैसिव सेल। तब बता रहे वो जाने का रास्ता दे रहा है ना, पानी इनसे तो नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ये वाटर और गैस इम्परमीएबल है, तो जाएगा किससे? जिसके पास सुबेरीन नहीं है। तो सुबेरीन नहीं है मतलब पैसेज दे रहा है, रास्ता दे रहा है, तो पैसेज है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो लेयर होती है मैं अलग से बनाती हूँ। नेक्स्ट, एंडोडर्मिस के नीचे जो एक और नेक्स्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरी, बोलो, पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के अंदर जो एक और ब्लू वाली लेयर में बनाई इसको बोलते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर तुमको यहाँ पे मिलेगा प्रोटो, जाइलम, प्रोटो, फ्लोएम। अब ये भी तुम लोग को प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे, जो पहले जाइलम बनता है प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनता है एंडोडर्मिस, जो पहले फ्लोएम बनता है प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है उसको बोलते हैं मेटाफेज। चलो फिलहाल इतना याद करो कि जाइलम समथिंग कुछ तो है, फ्लोएम करके कुछ तो है, जाइलम वाटर कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड कंडक्शन करता है। चाहे वाटर कंडक्ट करना है चाहे फूड कंडक्ट करना है, अकेले तो वाटर में तो वाटर लग नहीं पा रहा, फूड अकेले अकेले तो जाएगा नहीं कि भाई मैं तेरे साथ नहीं जाऊँ, उसको तो भी वाटर चाहिए ही चाहिए। तो अभी हम लोग तो पार्ट पढ़ने जा रहे थे कि क्या कैसे, तो अब समझा पहले एपिप्लेमा या एपिडर्मिस, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर प्रोटोजाइलम, प्रोटोफ्लोएम या वैस्कुलर बंडल लिखो। नहीं याद आए कोई बात नहीं, जाइलम फ्लोएम लिख दो या वैस्कुलर बंडल लिख दो, कि भाई मैं आपको समझ ही नहीं आया, मेरे को पता ही नहीं था कि पहले जाइलम लिखो कि पहले फ्लोएम लिखो, है कि नहीं? पहले फ्लोएम होता है फिर जाइलम अंदर की तरफ, पहले फ्लोएम होता है फिर जाइलम। तो कभी ऐसे ये सीक्वेंस याद नहीं आया, कोई बात नहीं, टिश्यू वैस्कुलर बंडल लिख देना, खत्म। अब वाटर पास कैसे होता है तुम लोग को पता है, सबसे पहले यहाँ पे है ना सबसे आउटर मोस्ट रूट का सेल, देखो रूट हेयर बोलो या रूट बोलो वही बात हो गई। तो जो पहला सेल है वो प्यासा होगा तभी ना पानी एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल सी चीज। हाँ, तो ये वो फर्स्ट सेल है जो सॉइल से, यहाँ पे क्या है सॉइल, सॉइल में क्या है वाटर मिनरल सारी चीज। ये फर्स्ट सेल है जो प्यासा है, प्यासा होगा तभी पानी लेगा, और प्यासा होना मतलब डीपीडी, डीपीडी हाई लो बताओ ना। हाँ, तो डीपीडी इसकी हाई है, ये बेचारा प्यासा है। अब जब ये प्यासा है तो अब्दुल रहमान आया इसको पानी देने। हाँ, अब वो पानी ले लिया। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग भूमेश को देते नोबेल प्राइज। अब क्योंकि इसका डीपीडी ज्यादा है, डीपीडी मतलब कैसा सेल होगा, कल्जिड होगा। क्लासिक का फॉर्मूला क्या था, डीपीडी इज इक्वल टू खाना, सब तुम लोग बता रहे, मैं कुछ नहीं बता रहा। अब डीपीडी अगर ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा, तो अल्टीमेटली लिख दूं यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसका ज्यादा होगा। अब ये पहले सेल ने वाटर ले लिया, अब चेंजेस क्या होंगे देखो, अब चेंजेस ये होंगे कि पानी ले लिया ना, तो इसका डीपीडी, हाँ इसका डीपीडी